हाँ जी, धुंध हो गया बहुत ज्यादा यहाँ पर, धुंध हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये बादल है, बादल धुंध, बादल है, ये धुंध नहीं है। ये सुबह से आप चौगिया क्यों मार रहे हो ये बताओ, गजब बेइज्जती है। दरअसल बात ये है ना कि मुझे लगी है भूख। मजा आया, थके तो नहीं हो? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। हम लोग आए हैं आज अयूबिया में और नथिया गली। कौन सा ट्रैक है ये अयूबिया गली से डूंगा गली का ट्रैक है 5 किलोमीटर का। तो ये अभी ये गेट आ गया, इसके सामने स्टार्ट है। अभी 5 किलोमीटर का ट्रैक करते हैं, रास्ते के व्यूज़ आपको दिखाते हैं। सांस तो भी थोड़ी सी ना ऊपर नीचे ऊपर नीचे होना शुरू हो गई है क्योंकि पीछे थोड़ी सी चढ़ाई थी। अभी देखते हैं आगे इंशाल्लाह कैसा सफ़र रहता है। सफ़र स्टार्ट अभी हुआ, वो पीछे तो वैसे ही वार्म अप था, पीछे वार्म अप था ना पसीने, लेकिन आ गए वार्म अप। काफ़ी अच्छा ट्रैक बनाया हुआ है, बड़ा प्यारा ट्रैक है। साइड पे मोटी सी ये तार लगी हुई है बिजली की, और बिजली के लिए है, ये सेफ्टी के लिए। बिजली की तार आती है, बिजली के खंभों से यही तार गुजरी होती है ना, इसलिए बिजली की बोल रहा हूँ। व्यू चेक करो सामने कितना प्यारा आ रहा है, क्लासिकल व्यू है, व्यू तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। अभी आगे से ट्रैक बिल्कुल खाली हो गया, यहाँ पर कोई बंदा नहीं है, सब पीछे रह गए हैं। मैं फर्स्ट टाइम, शायद भाई भी थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। आगे से फुल ट्रैक खाली, अंधेरा सुनसान और कीड़ों की चैह चैह की आवाज़ें आ रही हैं। फुल ख़तरनाक किस्म का ये ट्रैक है। चेक करें, सुनसान जंगल ही जंगल है बस। ट्रैक माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ आने का। अच्छा, अयूबिया तो काफ़ी दफ़ा आए हैं लेकिन इस ट्रैक पे पहले कभी। असल में टाइम शॉर्ट होता था, आज सुबह हम जल्दी निकले हैं, 6 बजे सुबह निकले हैं, जिसकी वजह से आज हमने कहा ट्रैक विज़िट कर लेते हैं, क्योंकि इस ट्रैक पे आएँ तो 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा आपके लग जाते हैं। बहुत पसीने आ गए हैं, आधा ट्रैक हो गया कंप्लीट, आधा ट्रैक हो गया और पसीने आ गए हैं काफ़ी। मौसम ठंडा है, मुझे तो पसीने नहीं आए, मुझे पसीने नहीं आए अभी तक। असल में आम में चर्बी ज़रा कम है, बुरा लगता है। ट्रैक तो इतना कोई शदीद किस्म का है ना, इतना मज़े का ट्रैक है ये। इस चेक करें, नहीं आ रही होगी आपको बिल्कुल भी ना, ये कोई कीड़ा है उसकी आवाज़ है, कितनी ऊँची आवाज़ है उसकी, अब पता नहीं आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। शोर मचाया हुआ इस कीड़े ने फजूल में, जबकि कोई बात भी नहीं है, वैसे ही चीखे मार रहा है, और सारे रास्ते ये जो है ना बहुत ज़्यादा शोर है इसका, बाकी तो सुकून है। fullsukoon.com है यहाँ पर, बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पर, और काफ़ी लोग फैमिलीज वगैरह काफ़ी आई हुई हैं यहाँ पर, ट्रैक पे पाओ वॉक कर रही है यहाँ पर। अभी मुझे भी थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि चांद काफ़ी आगे जा चुके हैं, उस्मान भी आगे है। उस्मान दूसरी साइड से, हम नथिया गली वाली साइड से जा रहे हैं इस ट्रैक पे, और उस्मान आ रहा है पापा के साथ अयूबिया वाली साइड से। तो अब मिड में ही कहीं हम मिलेंगे, क्योंकि हम वहाँ से अयूबिया से गाड़ी ड्राइव करके ना इस साइड पे आ गए थे नथिया गली। ये लोग जब आएंगे तो सारे यहीं से फिर इनको पिक कर लेंगे। काफ़ी पसीना आ गया मुझे, ये देखिए बादल, मौसम काफ़ी ठंडा है लेकिन वो ट्रैक पे थोड़ी स्पीड में चलने की वजह से पसीना आ रहा है। एंड खूबसूरती है यहाँ पे, ये दरख्त देखे गिरा हुआ है यहाँ पे। A few moments later, ये सामने एक जनाब साहब बैठे हुए हैं, हैंड फ्रीज लगा के म्यूज़िक सुना जा रहा है, फुल टेंशन माहौल में। उस्मान फुल बादल।
हाफ ट्रैक ही हुआ है अभी हमारा, हाफ से तकरीबन ज़्यादा हो गया है, 3 किलोमीटर तकरीबन हमने तय किया होगा सफ़र। अभी यहाँ से जो कुछ साथ फैमिली मेम्बर्स गए हुए थे आगे, वो रास्ते में मिल गए हमें, हम यहीं से अब वापस हो रहे हैं। ये कीड़ा है जिसने शोर मचाया हुआ, इतना ज़्यादा शोर कर रहा है ना, और ये वाला कीड़ा है काफी ज्यादा इधर आगे पीछे है। इन्होंने शोर मचाया हुआ है सारा यहाँ पर। मान आप सरकार आपने पकड़ ही लिया, तो इतनी मुश्किल से पकड़ा ना। आहा, बहुत चंगा ना मैं। आप कहाँ से? मैं और शादी भी तो उधर से आए थे, आप दूसरे ट्रैक से आए थे, उसी तरफ से आए थे। आप यहाँ से आए थे? हम यहाँ से आए थे, आप उस साइड से आए थे। मजा आया? थके तो नहीं हो? कमर टाप करने की। बस आगे चलते हैं, हमें गाड़ी में बैठने हैं, आपने वैसे भी आप चावल रहा नहीं जाता। हाँ खाना भी खाना। आधे से ज़्यादा वापसी का ट्रैक हो गया, थोड़ा सा ट्रैक रह गया अभी, और शायद भाई वापसी पे फुल एक्टिव अभी भी है ना। हाँ कोई टेंशन नहीं है, बस आते हुए थोड़ा स्पीड में आए थे, पसीना आया काफ़ी। वापसी पे तो कोई नहीं है, मज़े का मौसम है, ठंडा मौसम है, बादलों में इस टाइम घूम रहे हैं हम। आहा, और हमने यहाँ पर डिस्कवर किया है एक कीड़ा जो शोर मचा रहा है। एक आवाज जो मेरे कानों में गूंजती रहती है वो है इस कीड़े की आवाज। वो आपको वीडियो में नजर आएगा, ये ब्लैक कलर कीड़े की आवाज है, और बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है, बहुत ज्यादा कानों में शोर मचा रहा है वो। तो ट्रैक खत्म होने वाला है, बस 4 से 5 मिनट का ट्रैक हमारा रह गया। नहीं ये झूठ बोल रहा है, कम अज कम 15 से 20 मिनट का रास्ता रहता है अभी। अगर ये भाग के भी जाए ना 5 मिनट में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है अभी। कोई बात नहीं करेंगे। ये साइड है, यहाँ से अभी हमने सीधा जाना है, फिर आगे से घूम के वो वापस, फिर ये पहाड़ टर्न करेगा उस साइड पे, पहाड़ उस साइड पे फिर टर्न करेगा, फिर जाके ये ट्रैक एंड होगा। तकरीबन 1 किलोमीटर है यहाँ से। ठीक है कोई बात नहीं, 1 किलोमीटर हम कर सके, इतना मुश्किल नहीं है। फुल धुंध ही धुंध है यहाँ पर, इस टाइम कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, हद निगाह सिफर हो चुकी है। सामने चेक करो, बिल्कुल धुंध है, कुछ भी नज़र। सामने पहाड़ है लेकिन वो पहाड़ नहीं नज़र आ रहा अभी यहाँ पर हमें। नीचे ही साइड पर काफ़ी सारे जो है ना पौधे और दरख्त वगैरह लगे हैं, लेकिन नज़र नहीं आ रही इस वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बादल हैं। कुछ भी साइड का मतलब नज़र नहीं आ रहा, उस साइड का हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और ये वाली साइड बिल्कुल क्लियर है ऊपर वाले हमारे पहाड़। और ट्रैक जो है, ट्रैक भी खाली है, ट्रैक में इतना नहीं आए, बादल इतने नहीं है, सिर्फ इस साइड पे जाना, नीचे वाली साइड। ऊपर भी, ऊपर तो है ही है लेकिन नीचे जो है ना, नीचे भी बादल काफ़ी नीचे तक गए हुए हैं। हाँ जी, धुंध हो गई है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, धुंध हो गई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये बादल हैं, बादल धुंध, बादल हैं ये, धुंध नहीं है। कौन है ये लोग? ये बात सुबह से आप चुगलियां क्यों मार रहे हो ये बताओ। दरअसल बात ये है ना कि मुझे लगी है भूख, दो पराठे खाने के बाद भी भूख। दो पराठे, लेज, काला बिस्किट, जूसेस, इसके बाद भी भूख। असल जो खाने की भूख होती है वो खाने से ही खत्म होती है। इस टाइम ना सामने का बिल्कुल व्यू नहीं आ रहा बादलों की वजह से, और अगस्त में देख ले ये सीन है यहाँ पे। बड़ी ठंड हो गई यार, बड़ी ठंड हो गई है। पिंडी में गर्मी और नथिया गली में बादल ही बादल, ठंडा मौसम। यहाँ पे जी फोटोग्राफी हो रही है, क्या कर रहे हो? ट्रैक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और अभी पैकिंग की तैयारी है, फुल पैकअप। कौन सी पैकिंग की तैयारी है? आलम
अपनी पैकिंग की वापस जाने की, पहले जाके खाना खाना है सबसे पहले। हालत टाइट हो गई है, फुल खाना नहीं खाया हुआ। रास्ते में दो दो पराठे खाए हैं इसने और हालत टाइट हो गई है, देख लो। दो पराठे खाने के बाद भी है ना, इतनी वॉक के बाद पराठों का नहीं। ये दरख्त देखो कितना खूबसूरत है, अगर इसका व्यू आ गया ना, अगर आ गया तो क्या, तो मजे ही मजे। ये देखो मजे मजे, वाओ हॉरिबल, इट वाज जस्ट हॉरिबल, खतरनाक दरख्त। ये वाले एनिमल्स यहाँ पर है, कौन से? ये इस साइड वाले, ये वाले। हमने तो समझा कोई शेर वगैरह मिलेगा, तो ये छिपकली है सर। मैंने यहाँ करो जरा, ये शेर नहीं है, गीदड़ है, कमाल का शेर। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।